लड़कियों को तो पति चाहिए ना। हाँ तो क्या क्या हर बात में बस छोरे ने लाओ खींचा। हे गाइज गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले एडवांस में हैप्पी धनतेरस, हैप्पी गोवर्धन पूजा, हैप्पी दिवाली, हैप्पी भाई दूज। मजे करना दिवाली पे, चिल करना। वैसे मैं रोज बधाई दे दिया करूंगा, आप दिवाली के ब्लॉग आने वाले और आज के ब्लॉग में स्पेशल हम करने वाले साफ सफाई पूरे घर की है हालत खराब। गाइज आज बादल छाए हुए इसलिए सूरज जी भगवान के दर्शन आपको होंगे नहीं। बाहर का व्यू कुछ इस प्रकार का है। हमारे घर में तो देख सकते हो आप, बहुत ही ज्यादा गंदगी फैली हुई है और एमी है ना ही कर रही है। सुबह सुबह रोने का काम है बेटे के, इसके अलावा और कुछ काम नहीं है। अरे यार भूख लग रही है। हाँ तो भूख लग रही है तो सुबह तो पिलाया था दूध तेरे को। तुम तो चढ़ते रहते हो पैसों की तरह, और मेरे को एक बार दूध पिला के छोड़ देते हो। आ चल पिला रहे, शांति रख, थोड़ी तो शांति रख। शांति के बाद में दिमाग खराब मत कर, मम्मी को बोलो फटाफट। अंकिता जी, ये आपकी छोरी क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? कि दूध पिला, शांति गई बाढ़ में। सही बात है ना, उसको भूख लग रही है। हाँ तो फिर और साफ सफाई कर, इसको दूध पिलाने में मत रह जाना। बेटा तू मेरे से पंगा लेती है ना, तुझे बहुत महंगा पड़ने वाला है। और तू देखना देख, बाद में तू जब बड़ी हो जाएगी ना, तेरे को कुछ नहीं खिलाने वाला मैं डेयरी मिल्क वगैरह। अरे चल जब देख लूंगी मैं, अभी तो काम होने दे मेरा, फिर तेरे को भी पटा लूंगी। अरे वाह यार, एक तो मजाक नहीं करे यार। नहीं भूख लग रही है यार, दिमाग खराब मत कर, मम्मी को बोला पिला दे यार, इसको भूख लग रही है, चिल्ला रही है मेरे पे। गाइस देख सकते हो कपड़े सब कुछ ऐसे ही पड़े हैं भाई। तो अब आज साफ सफाई करते, पूरे घर को करते क्लीन, सब चीजों को व्यवस्थित रखते हैं, गंदगी को हटाते हैं यहाँ से। एमी का भी बदबू आ रही होगी। क्या कर रहा है? भूख लग रही है, दिमाग खराब मत कर मेरा, फटाफट मम्मी को बोला। ये बोलने नहीं देती है यार, हद कर रखी है इसने, बिगाड़ के रख दी सॉरी को, पूरी को भूख लग रही है। पर ऐसे कौन बात करता है पापा से यार? अंकिता कैसे बात करती है तू? हाँ यार कैसे करती है? आ गया। चलो दूध पिला दो इसको, फिर खाना भी बना दो, भूख भी लग रही है। गाइस खाना खा के सो गया था मैं, अभी जस्ट उठा हूँ, नींद आ गई थी, 2 बज गए दिन के। और अंकिता अकेली साफ सफाई कर रही है, मेरे को भी करवाना है उसको साफ सफाई। सुबह से अकेली लगी पड़ी है, क्या क्या कर लिया तूने? ऊपर का सफाई और इधर का, इसमें पानी चला गया, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। ये बंद कर देना, ये बटन बंद है, इधर वाला बंद है, कहीं पता चले दिवाली बन जाए, मैं इधर छेटी रह जाऊँ तुम उधर रहो। तो क्या लेना, ऊपर का जला लेना है मेरे को? ठीक है मैं ऊपर की जला लेता हूँ। अंकिता ने मेरे तेल की मालिश कर दी बालों में, तो मेरे को नींद आ गई थी भयंकर। बड़े मस्त मजे पतिदेव के, बच्चों को खिला लो और मस्त पड़े रहो। बच्चों को खिलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ठीक है? बच्चों को खिलाना ऐसे ही नहीं है। और तू एक काम कर, किचन साफ कर रही है ना, तो मुझे जाले भी किचन के लेने ना अभी, तो इधर के ले लो आप, तो पूरे के ले लो, फिर आपसे कोई मनमो ले लेगा यार, मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे तो नींद आ रही है वापस। कसियान का आदमी छु, फिर मैं तो सारा दिन लगे रहो छोर छोरे ने संभाला, रोटी बना दियो, खाने एक जल ले बा मत रुचो। तो जल ले रही तू सर, नीचे तो ही कर दे साहब, मैं तो ऊपर कर दूंगा इधर का, ज्यादा जाले तो नहीं है यार अंकिता, गंदा होता है, नहीं लेते रहते अपन तो। दूसरे को मकान को क्लीन करना पड़ रहा है, खुद का मकान होता तो मजा आ जाता। नहीं मैं तो सिर्फ एक बात बता रहा हूँ तेरे को, कि अगर खुद का मकान होता तो और ज्यादा इंटरेस्ट आता। नहीं वही तो बात है ना, अपन कब ले रहे मकान? क्या बोल रही है? अपन कब लेंगे मकान? जब तू बोलेगी तब। जल्दी ज्यादा हो जाएगा, पुराना हो जाएगा अगली दिवाली तक। मैं चाहता हूँ अगली दिवाली तक नया रहे मेरा मकान। इनको भी साफ करना है यार, पीछे से। हाँ इनको तो कर दूंगा मैंने, बता क्या करना है फिर, बता जल्दी बोल। कि भाई तेरे को इस दिवाली पे चाहिए या फिर अगली दिवाली पे नहीं अच्छी है? अगली पे ले लेंगे यार। सही बताए ईमानदार से, सही ठीक है। अगली तक अच्छा, मैं तेरा कहना कभी भी टाल नहीं सकता, सॉरी। मेरे मन में थी इस बार में ना मकान लेना ही लेना है, अब तूने मना ही कर दिया ना, तो अब सॉरी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। दिवाली पे तो काम आते हैं सबके, पति है ना, देख ये अच्छी चीज है। क्यों मैं कैसे हूँ काम चोर? मैं नहीं करवा रहा काम, तो फिर रहने दे, चले एक काम करे, पकड़ तेरा झाड़ू। नहीं आप बहुत अच्छे, ये बोल रही सबके पति काम चोर है, पर आप बहुत अच्छे। अच्छा ऐसे बोलना तो फिर तू तो ऐसे क्यों बोल रही थी पहले? तेरा पति देख ले कितना काम कर रहा, और क्या अच्छी है यार, ऐसे पति भगवान सभी लड़कियों को दे, मेरे जैसे पति मुझे ना दे, बस मेरे जैसे दे। नहीं देना चाहिए, बस मेरे को ही देना चाहिए। और मुझे भी दे दे तू, कोई आपको तो पत्नी चाहिए, आपको पति थोड़ी चाहिए, लड़कियों को तो पति चाहिए ना। हाँ तो क्या हर बात में बस छोरे ने लाओ खींचा, तो छोरे तो औली भी चाहिए, बीच में कुड़ा छोरा चुप रहे हो, मैं नींद में हूँ, नींद में अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो सॉरी उस चीज के लिए, बहुत बहुत
हर बार नींद ना रहो जब भी था। नहीं मैं नींद में था, सही बता रहा हूँ आई स्वेयर, अब नींद में था और मैं नींद में ही बोल रहा था कि मेरे को अगर किसी भी लड़की को पता चाहिए तो मेरे से संपर्क कर सकती है, ये भी मैं नींद में ही बोल रहा हूँ, कोई भी सीरियस ना ले। सीरियस हो तो लुगाए मेरी बात सुन ले, अरे मेरी बात सुन ले, मैंने ये भी तो बोला है कि कोई भी सीरियस ना ले, मजाक में ले, नहीं बोला है क्या? समझती नहीं है गाइस, गाइस देख लो इसने मेरे को क्या सजा दे रखी है, हद है यार ये, ऐसी धर्म पत्नी किसी को ना दे, मुझे भी ना दे अगली बार। मैं पंकज साहब नहीं करूंगा, मैं खाली जाले हटाऊंगा, पंकज साहब मनमुन करेगा आपकी बार, ठीक है? कहाँ पे पड़े ये वाले? तो इनको उठा दे, अब तू सोच रही सारा मैं ही कर दूं। मार्केट लेके चलना, सामान लेके। ये मार्केट रहा, जा सकती है, अपन कहीं नहीं लेके जा रहे, पाले पाले जाने की जरूरत कम ही है, BMW का है। तो गाय जाले जाले तो पूरे क्लीन कर दिया, खाली फंके छोड़ दिया, पंखे मनमोहन साहब को लेगा यार, मेरी बस की बात नहीं है, हाथ दर्द करने लग गया। गाय अंकिता साफ सफाई कम कर रही है और गुरु मंत्र ज्यादा पढ़ रही है, पता नहीं किधर चल रहा है फोन तेरा, कहाँ चल रहा है? फिर भी कहाँ पे? कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वहाँ क्या चला के रख रखी है इनको। तो गाइस इधर तो अंकिता नीचे नीचे का क्लीन कर दिया, बेचारे 8-7 दिन से काम करी जा रही है। मनमोहन जी रेमी जी तो इधर सो रहे हैं, मैं तो सोती नहीं, नींद नहीं आती इसको, तो बढ़िया यार लेकिन क्लीन क्लीन लग रहा है। कांच और पंखा मनमोहन ही क्लीन करेगा, अपना काम है ये नॉर्मल करने का। नहीं नहीं इसको खोप बोलते बता करवा ले, नहीं इधर देख मेरी तरफ, इधर देख खोप, क्या क्या बोलते इसको, खोप, देख खोप की वजह से तू देख, अगर तेरे में खोप ही नहीं होता तो थोड़ी काम कर लेती। हो गई मेरा बड़ा ऑपरेशन, फिर भी आपका तो इधर। हाँ ये तेरा बड़ा ऑपरेशन, जब तक नया बच्चा नहीं आएगा तब तक रहेगा, फिर नया बच्चा आया फिर बड़ा ऑपरेशन। कुछ नहीं बस बातें करवा लो, बातें वाली बात नहीं है, ये खोप है, खोप मस्तराम गुज्जर का खोप है, रूपा है तू, रूपा जाएगी कहाँ, गुज्जर के पास ही आएगी तू, रूपा गुज्जर से पंगा नहीं लेने का, तितली है, तितली उड़ के जाएगी कहाँ, गुज्जर के पास ही आएगी, रूपा हे रूपा खुशबू ले ले। तो गाइस रूपा अंदर की खुशबू ले रही है, लिए इतनी बड़ी बदबू खाएगी अरचारिया, ये पूरे बर्तनों को धो के इसमें पानी जाने देना कम से कम 10 मिनट तक। एमी अरे निकल, मस्ती कर रहा है, मम्मी को काम करवाओ उधर, तेरे से तो बात करना है गुनाह है गुंडी लड़की, अब तेरे से मैं बात ही नहीं करूंगा, तू चाहे जो कर ले तेरे से मैं बात नहीं करने वाला, आंखें मत दिखा, आंखें मत दिखा, आंखें फोड़ दूंगा, फोड़ के बता, आंखें फोड़ेगा, मम्मी को दिया कर तुमकी, मेरे को तुमकी, उनकी मत दिया कर, मैं तोड़ दूंगी एक मिनट में, ले तोड़ के बता, मुंह तोड़ देगी, ज्यादा बकवास कर रही है क्या, इधर गेंडा सो रहा है इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही। मनमोहन तेरे को गेंडा बोल रही है ये, और क्या बोले इसको, 350 गिधेड़ा। कई हमारी अम्मी मस्त कॉमेडी करती है यार, कितनी प्यारी प्यारी बातें करती है, समझ में नहीं आता ये कब किसकी वाट लगा देती है, पता ही नहीं चलता, कभी कभी मेरे भी लगा देती है। कि अच्छा तो है, इसको क्यों बेचती है, घर पे बेच देना। क्यों सब खराब थी माल, कुछ खराब नहीं, उसको धो के मम्मी पापा के पास बेच देना। अरे भगवान, सड़े सूख दिख रहे, सकते नहीं हो यो भी पकोगो, वो भी पकोगो, तो मैंने भी भेज दिया, शिकर मारो भी नहीं लिया। तितली है तितली जाएगी कहाँ, हे रूपा नाच के बता, गुज्जर के सामने नाच के बता। कर ले गाइस हमारा स्टोर रूम किस किसने नहीं देख रखा हो, देख लो ये वाला स्टोर रूम, अब इसको स्टोर रूम बोलो या फिर बाथरेक्स रूम बोलो, यूर मम्मी ना क्या की, फिर भी वही लग रही है तू, उल्टे नहाने के बाद में तू काली काली लग रही है यार, आज क्या चक्कर हुआ, कल तो तू बड़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। वो लगाया था ना कल, क्या फेशियल का कलर, फेशियल ही बोलते हैं, एक ही दिन में तेरे फेशियल कहाँ चली गई, कुछ अलग नहीं दिख रहा, कल तो पूरी चली जाएगी, चलो आज तो बच भी रही है। मैंने आपको बोला था आप भी काले काले लग रहे हो नहाने के बाद, इसलिए मैं भी लग रही हूँ, मैंने सही बोला था, और आप क्या बोल रहे हो, तू मेरे पे जलती है इसलिए बोल रही, नहीं तो तू जलती है मेरे पे, सच बात यही है, इसका मतलब आप भी जलते हो मेरे पे, नहीं तू सच मुझे लग रही है काली, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की तरह पड़े रहे हो, खड़े पड़े रहे हो, मतलब अच्छा है ना ब्लैक है तो भी, हाँ तो इंडियन कलर है और क्या चाहिए, और क्या। एमी एमी यू और पापा की तरफ देखो, पापा की तरफ देख लो यार, नहीं देख रही पापा की तरफ, नहीं मुझे पसंद नहीं है पापा, हाँ पापा बकवास करते हैं, बात नहीं करेगी ना राजा आज मेरे से, आज पूरे दिन से तुम लोग पता नहीं क्या ही कर रहे हो, मेरे से बात ही नहीं कर रहे हो, साफ सफाई और मम्मी की तरफ दे, घुटरी कैसे देख रही मेरी तरफ, आज तो मुंह ही नहीं लगाए मेरे, पूरे दिन ना दूध पिलाया ना कुछ। एमी अब देख लो तेरी मम्मी ऐसी है बदतमीज, पूरे दिन तेरे को मुंह नहीं लगाती है, अब मुंह लगा रही है फालतू में, ये सिंपति ले रही थी बेटा, अरे तू भी कम नहीं है, हरामी सारे दिन से सो रहा है।
कोई बात नहीं बेटा, मैं बेटा जिंदू। और ये देख फालतू अब ओवर एक्टिंग कर रही है। तू निकल यार, मम्मी से बात करने दे मेरे को। गाइस खाना पीना हो गया और आज तो अंकिता और एमी दोनों सो गए जल्दी, क्योंकि सारे दिन से दिवाली की साफ सफाई कर रहे थे, थक गए थे। तो आज का ब्लॉग भी थोड़ा ज्यादा छोटा बना होगा। अब करता हूँ, पसंद आया होगा, पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एमी से मिलवा देता हूँ आपको। एमी नहीं सोए अभी तक, एमी अभी तक उछल कूद कर ही रही है। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट एमी, गुड नाइट, गुड नाइट। चलो गाइस गुड नाइट, बाय, लव यू।